हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि गूगल पिक्सेल 8 फ़ोन में आप लोग लैग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक गूगल पिक्सेल 8 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हो, गेम्स आप लोग खेलते हो गाइस इस फ़ोन में, पबजी या फ्री फायर वगैरह, तो गेम खेलने में जो ये फ़ोन बहुत ही लैग हो रहा है गाइस, तो इस लैग प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को क्लोज कर देना। अगर आपके फ़ोन के जो बैकग्राउंड है एप्लीकेशन बहुत सारे रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तब भी आपका गेम जो है बहुत ही लैग होगा, क्योंकि वैसे अगर आप लोग गेम को खेल रहे हो और बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं तो आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम ख़राब हो जाएगा गाइस, बहुत ही लैग देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इन सभी को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप लोग अपने गेम को ऑन कर सकते हो, गेम जो है बहुत अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अगर आप लोग गेम को खेल रहे हो और आप लोगों को यहाँ पर ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके देखना है, अगर आपके फ़ोन में ये सभी ऑप्शन ऑन है जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डाटा हो गया, उसके बाद लोकेशन है, हॉटस्पॉट है, नियर बाय शेयर है, तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके फ़ोन में जो है सभी ऑप्शन ऑन हैं और आप लोग अपने गेम को खेल रहे हो तब भी आपके फ़ोन में जो है लैग प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइस ये सब ऑप्शन ऑन होने से ये सब जो है एनी टाइम स्कैनिंग होते रहते हैं और स्कैनिंग होंगे बैकग्राउंड में और आप लोग गेम को भी खेलोगे तो आपका फ़ोन जो है बहुत ही लैग होगा। तो इसलिए आप लोगों को, अगर आप लोग इन सब ऑप्शन को यूज़ नहीं कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ऑफ़ करके रखना है। ऑफ़ करके रखने से आपका जो लैग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद आप लोगों को स्टोरेज को थोड़ा सा खाली करके रखना है। अगर आपके फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल होगा तब भी आपके फ़ोन में लैग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आप लोग जो गेम को अच्छी तरीके से खेल नहीं पाओगे, लैग होगा। तो इसलिए आप लोगों को स्टोरेज को खाली करके रखना है, मतलब एकदम फुल नहीं करके रखना है गाइस, थोड़ा सा आप लोग स्टोरेज को खाली करके रखिए। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद आप लोगों को अपने इंटरनेट कनेक्शन का ध्यान रखना है। अगर आपका जो इंटरनेट है वो एकदम स्लो होगा तो आपके फ़ोन में लैग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या अगर आप लोगों ने इंटरनेट को कनेक्ट किया है इस तरफ आप लोग गेम भी खेल रहे हो और दूसरी तरफ कुछ एप्लीकेशन जो अपडेट हो रहे हैं तो उस अपडेट को आप लोगों को बंद करना है। उस अपडेट को बंद करने के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर के राइट साइड में यहाँ पर आप लोगों को एक जीमेल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, तो ये जीमेल प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है गाइस जनरल का, तो ये जनरल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है आप लोगों को देखने को मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस का, तो इस नेटवर्क प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से यहाँ पर तीन ऑप्शन आए हैं गाइस। अगर आपके फ़ोन में जो है ऊपर के इन दो ऑप्शन पे सेट है जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क और ओवर वाईफाई ओनली, तब क्या होगा गाइस, जब भी आप लोग गेम को खेलने के लिए डाटा को ऑन करोगे, वाईफाई से कनेक्ट करोगे अपने फ़ोन को, तो ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस अपडेट होते रहेंगे, तब भी आपका जो गेम है वो बहुत ही लैग होगा। तो इस ऑप्शन को ऑफ करने के लिए देख सकते हैं जो लास्ट वाला ऑप्शन है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपका जो ये ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा, अभी आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा और आपका जो लैग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस बैटरी का, ठीक है गाइस, तो बैटरी का आप लोगों का जो ऑप्शन है वो ढूंढ लेना है, देख सकते हैं ये रहा, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एडाप्टिव प्रेफरेंस का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपके फ़ोन में जो है यहाँ पर एक एडाप्टिव बैटरी का एक ऑप्शन है, अगर ये ऑन होगा तो आपके फ़ोन में जो है लैग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपके बैटरी को बचाता है, इसके लिए आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है उसको डाउन कर देता है। अगर आप लोग इसको ऑफ करके गेम वगैरह को खेलोगे तो आपके फ़ोन में जो गेम है
है वो अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा और आपका जो लैग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने गूगल पिक्सल 8 फ़ोन में लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।